ये चप्पलें तो मैंने पड़ोसन को गिफ्ट करी थी, यानी पड़ोसन आई है। अरे आ गए आप? हाँ। किसे ढूंढ रहे हो? अपने वहाँ कोई आया है ना? नहीं तो? तो दरवाजे पे सैंडल रखी किसकी है? अरे वो जो अपने घर पे झाड़ू पोछा करती है उनकी है। झाड़ू पोछा? कहाँ है वो? उधर। सुनो। जी साहब। ये दरवाजे पे सैंडल किसकी है? अरे साहब क्या बताएं, आपकी पड़ोसन के दिमाग कितने खराब है। क्यों? अरे कोई उसे छुप छुप कर गिफ्ट देता है और जो गिफ्ट उसे समझ में नहीं आता है वो उसे कूड़े में फेंक देती है। ये कहो कि मेरी नजर इन चप्पलों पर पड़ गई तो मैं इन्हें उठा लाई। वैसे पसंद तो मुझे भी नहीं है चप्पल। अरे साहब। क्या है? अगली बार जरा ढंग की चप्पल उसे गिफ्ट करना। लाओ अपना हाथ लाओ। ये क्या है? ये तावीज है। क्यों? अरे रुको तो। कहानी की मेरी। अच्छा भी ये खाओ। है जुबान। ये तो बहुत कड़वा था। क्योंकि इसमें जहर है। जहर? तुम पागल लगा लो गई हो? चिल्लाने से पहले मेरी पूरी बात तो सुनो, तुम्हारे फायदे की बात कर रही हूँ। कैसे? अरे आज मार्केट में एक भैया मिले जो ये तावीज बेच रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस भी इंसान के तावीज बांधोगे उस पर किसी भी तरह के जहर का असर नहीं होगा। और तुमने उसका यकीन कर लिया? मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ जो किसी की भी बात का यकीन कर लूँ। उसने कहा कि अगर जहर का असर हो गया तो वो मेरे पूरे 150 रुपए वापस कर देगा। एक तो तुम्हारी फिक्र करो, ऊपर से तुम मेरे ही ऊपर गुस्सा करते हो। आज विम की लस्सी पीऊंगा। ये तुम्हारा पड़ोसन के लिए इतना प्यार एक दिन तुम्हें बर्बाद करके रख देगा। क्यों? अब मैंने क्या किया? जो तुमने उसके हस्बैंड को पिछले महीने 370 रुपए उधार दिए थे वो पैसे लेने का इरादा है या नहीं है? यार ले लूंगा वापस। ले लूंगा नहीं, ये लो मेरा फोन और कॉल करो उसे अभी। हेलो। हेलो भाभी। भाई साहब से बात हो जाएगी क्या? नहीं वो तो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? आई एम सॉरी, आप उनका ख्याल रखिए। वो बेचारा हॉस्पिटल में है और तुम्हें अपने पैसों की पड़ी है। पैसे ना देने का सबसे अच्छा बहाना है कि बीमार हो जाओ। तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की चीज मर गई है क्या? वो बेचारा हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी मौत से लड़ रहा है और तुम्हें अपने पैसों की पड़ी है। तुमने मुझे मारा? लाओ फोन लाओ मेरा। हेलो जी बताइए। मैंने सुना आपके हस्बैंड हॉस्पिटल में, क्या हुआ उन्हें? हाँ वो तो पिछले 1 साल से हॉस्पिटल में काम करते हैं। अच्छा उनसे कहिएगा एक बेड बुक कर दे हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड के लिए। हेलो। आज फिर तुम चम्मच धो के नहीं गए, मुझे टिंडे की खीर खानी थी। पहले नीचे वाली कैबिनेट में सही से देखो। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सही से साइन करना। तुम भी फालतू का इल्जाम लगाती रहती है। वैसे ये बताओ खीर कैसी बनी थी? अरे सर देख तो लीजिए। प्यार की काफी अच्छी लग रही हो। अबे साले ये तुम किससे कह रहे हो? तुमसे ही कह रहा था, खीर खाते हुए काफी अच्छी लग रही हो। पर मैंने तो खीर खाई नहीं। इमेजिन कर रहा था।